हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस बार हम रिएक्ट करने वाले हैं टू आर देसी इंडियन प्रैंक्स, और देखते हैं कि कितनी बवासीर मिलती है हमें देखने को। ये वीडियो देखते हैं, किसिंग प्रैंक इंडिया, स्पिन द बॉटल पार्ट टू। पार्ट वन कहाँ है किसी को कोई मतलब नहीं, पार्ट टू देखेंगे हम। पार्ट वन में किस नहीं हुई ना, बॉटल ही हाँ नहीं आई उस पे। तभी पार्ट टू। And for me, you have to kiss me on the cheek or anywhere you want. Crazybetter.com. What do you mean by anywhere you want? You have to kiss me on my cheek or anywhere you want. मैं तो cheek का, he's like मैं तो cheek का बोल रहा हूँ, वैसे चुस्सी मार लेना तुम। कोई senses बात कर। बहुत horny बंदा है। Slap me as hard as you want. इसलिए है ये लोड़ा। पीछे क्या है? देखना गंदा सा। Oh, I will. पीछे mirror था। पीछे mirror था। अरे ये एक सेकंड, पांडे लेफ्ट में ये अंकल क्या कर रहे हैं पीछे भाई? क्या कर रहे हैं? वो अपनी बारी के इंतजार में, वो कह रहे हैं मेरी बारी अगली है। कह रहा मैं भी आऊंगा, मेरे साथ भी घूमूंगा, मैं भी खेलूंगा। कह रहे ये भाई राइट साइड में देख रहे हो? राइट साइड में भी एक आंटी है, देखो छुप के देख रही है। अरे बिल्कुल, तुमने बिल्कुल पीछे देखा, बिल्कुल पीछे भाई खड़ा हुआ चश्मे का जो स्माइल दे रहा है, देखो ना खुश है वो। कह रहा भाई मैं आ गया, भाई वो अलग खुश है भाई, मम्मी मैं यूट्यूब पे आ गया। और इन अंकल को देखो, ये इन अंकल को अगर हम देखेंगे तो भाई मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो मेरी दादी ने लास्ट टाइम दिया था कि आनंदी दूध गिराएगी नहीं गिराएगी, आज क्या करेगी इसकी दादी ने दिया था भाई ये। क्या है भाई ये? यार इतनी तेज मारते यार बच्चे को यार। ये बच्चा है? अच्छा तेज था ये? ये बच्चा है? कहना चाह रहा है ना दिमाग से, तो कह रहा है ना दिमाग से तो मैं बच्चा ही हूँ। ये बच्चा है क्या? रैप का भाई भाई भाई, भाई। भाई दोनों मारेंगे। इतनी तेज ये तो हाईफाई होता है मेरा। कंट्रोल सब गाइस, हमने फ्रॉम भाईयों का चैनल एवीआर प्रैंक टीवी। और भाई लोग आज मेरे पास है, मेरे पास आप, मैं और मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड मिलके मेरे दोस्त पे प्रैंक करने वाले हैं, ऐसा सिर्फ उसे लगता है। आगे बाजा, इसकी गर्लफ्रेंड को कोई आईडिया नहीं है कि हम ऑलरेडी मिले हुए हैं, उसके हिसाब से वो और मैं मिलके आकिब पे प्रैंक करने वाले हैं। इसकी स्माइल देखो भाई। और ये देखो, फॉरगिव मी बट इफ आई एंटर्ड माय बेस्ट फ्रेंड रूम और वो मेरी गर्लफ्रेंड की गोद में ऐसे सर रख के बैठा है, और फिर उसके बाद वो बोलती है कि नॉर्मल ही तो बैठी हूँ, ऐसा क्या हो गया? तो मैं चला जाऊंगा हंसते हंसते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसने सेंटेंस खत्म भी नहीं किया था, वो शुरू हो गया। थैंक यू मीठे, पहले से रिहर्सल नहीं की। अबे ले मत लियो, इसके साले कोरोना चल रहा है। ओए स्वीटी सुपारी, साले दाने छील दूंगा। उसने अभी किया है। स्वीटी सुपारी दाने छील दूंगा। ओए मोंटी रॉय बात सुन, मोंटी रॉय तू। अच्छा सुन मेरी बात यार, मैं ना इस एरिया में नया आया हूँ, तो मुझे बता इस पार्क से बाहर जाने का रास्ता किधर है? अबे तेरे से गुड़ की खुशबू कैसे आ रही है, मीठा है क्या? ओहो हो, नाइस नाइस गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मुझे अपने घर जाना है। वी आर लर्निंग सो मच अबाउट साइंस टुडे। ये इंफोटेनमेंट है, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज इंफोटेनमेंट। ठीक है, होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, जो जिन पीपल हु लाइक मैन, उनसे क्या गुड़ की स्मेल आती है, गुड़ की। ठीक है, तुम्हें कहीं दूर से डिटेक्ट करना हो ना, तुम्हें पता नहीं लग पाता हो कि तुम्हें उंगली करने हो कि दूसरों की लाइफ में क्या सेक्सुअल प्रेफरेंसेस चल रहे हैं, जाके बस उन्हें सूंघ लेना, तुम्हें सब पता लग जाएगा। गाइस हल्का हल्का गुड़ छिटक रहा है, मीठा है क्या? ओहो वाओ, और सिम्टम्स बता रहे हैं, और सिम्टम्स पता लग रहे हैं हमें, और क्या होता है? और आपको एक मिठाई की दुकान खोलनी पड़ती है, आपसे चाशनी टपकती है, और आप चलते हो तो गुड़ गुड़ टपकता है आपसे। वाह, तेरे से घोटा पकड़ा क्या, ए चाशनी गिर रही है, ए, ए,
ये वो लोग हैं जो जब अपने दोस्तों में बैठे होते हैं और कोई एक दूसरे की बेइज्जती कर रहा होता है तो उसको मीठा बोलते ही वो हो जाता है अरे अल्टीमेट रोस्ट, ठीक है, ये वो वाले हैं। ओ भाई अपनी मीठा बोल दिया भाई। यस यस ये वही है। अमित 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 सुनना, अमित सुनना, अमित तू मीठा है, तू मीठा है। ए हंसो ना गौर, गौर शांता, गौर शांता हंसो ना, हंसो ना। अरे भाई हम इस इंसान की और वीडियो देखना ही नहीं चाहते। The point we are trying to make is, if you think it's fine questioning somebody else's preferences over anything actually, not just sexual preferences, like if these preferences have been deemed legal now, even in India, which has been the case in so many countries, इतनी सारी countries में पहले ही हो चुका था और अब इंडिया ने भी acknowledge कर दिया है, उसके बाद भी जब तुम ये सोच लेके घूम रहे हो, It's not right. It's fine. If you don't like, it's fine. You don't have to like everything, but you have a preference. Keep it to your personal self. You can't spread your preferences everywhere, right. Especially in a hate. Yeah, by especially the point is, जब किसी के 6 million subscribers हैं, तो उसे शायद थोड़ा तो सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है भाई. Zero. भाई कितने यार मेरे को पता है मेरे चैनल पे बच्चे आते हैं यार. अमित कितना कंट्रोल करता है खुद को. वही बात है, तुम्हें समझना चाहिए कि इतने बच्चे तुम्हें देख रहे हो और तुम क्या मैसेज शायद उनके दिमाग में जो है ठूस दोगे और फिर वो सोच कितने सालों तक चलेगी उनके आगे. There are people जो केवल गालियां देते हैं अपने वीडियोस में. I mean, their whole content is same गाली बार बार रिपीट करना. होता है भाई. And then also they get really good subs, promotion भी मिलता है उनको, लोग आइडल बना लेते हैं, भाई बना लेते हैं उनको किसी कंट्री का. तो दैट इज अ थिंग. देयर आर फ्यू पीपल हु आर बोर्न विद छोटी मेंटालिटी एंड दे एंड अप विद दैट मेंटालिटी. अरे ऐसे ही होता है भाई. बट एटलीस्ट तो अपने तक रखो छोटी मेंटालिटी है तो. वो भाई वो कॉमेडियन वाला केस हुआ था, उस पर मैंने भी स्टोरी डाली थी. तो शुभ मिश्रा वगैरह जो था उसके फॉलोअर्स ने भाई इतना दिमाग काटा डीएम में आके कि भाई आपको क्यों लगता है हमारे भाई गलत हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे इसके खिलाफ भी ये वो. तो अरे फिर यूट्यूब ने बैन कर दिया, चैनल डिलीट कर दिया. ऑब्वियसली भाई दैट्स गोना हैपन यार. तुम रेप उसी का क्यों, दूसरा भी तो है. उनका भी कर बड़े भाई, बड़े भाई उनका भी करा. मैंने बोला तो किसी कंट्री के भाई भी करते हैं लोग ऐसे यार. वी नो दैट राइट, वी हैव सीन दैट. तो बात यार कि लोग देख रहे हैं वो चीज पसंद कर रहे हैं. ओ भाई गाली दे रहा है भाई, ओ भाई पूरी कम्युनिटी की बात हो रहा है. अरे वैसे भी यार वो छोड़ो, तुम ये देखो ना भाई, मैंने सुना था लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की निंदा करके बेइज्जती करके पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं स्टेट्स के, पर यहाँ पे यूट्यूबर बन रहे हैं जो कंटेंट बनाता है जिनको. वही तो लोग सीएम बनते हैं यार. जब मैं यूट्यूबर बनने का सोचता था, जब गौर यूट्यूबर बनने का सोच रहे थे हम लोग, जब से हमने सोचा था यूट्यूबर बनना है, तो हम सोचते थे कि हम यूट्यूबर बनना इज अ कूल थिंग एंड कूल इज अ मॉडर्न थिंग, ठीक है. सो व्हेन यू ट्राइंग टू बी वो पॉजिटिविटी और प्यार फैलाएं एंड व्हेन यू ट्राइंग टू बी रेलेवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यू हैव टू बी एक्सेप्टेबल ऑफ द पीपल अराउंड यू इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. यू कैन नॉट बी सो आर्कियर. हाँ. Archaic. You cannot be like, भाई मैं ही आज शेक्सपियर के जमाने में रहूंगा और मतलब obviously. मतलब क्या बोलूँ अब मैं. अरे भाई improvise, adapt. अरे I'm talking about, obviously. यार I'm talking about the fact that तुम्हें दिक्कत है, तुम interaction मत करो उन लोगों से, पर उनकी अब उनका लाइफ को जीने दो, राह पकड़ के मीठे. This is getting into their lives, right? Yeah. Exactly. ये भी बात सो दिस वॉज अ रिव्यू ऑफ AVR Prank TV guys. और अगर आपको हमारी स्टैंड से या हमारी बात से बुरा लगा हो तो प्लीज अनसब्सक्राइब करके यहाँ से निकले, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना हम इसको प्रमोट करेंगे. एंड AVR Prank TV, इफ यू आर गोइंग टू स्ट्राइक दिस वीडियो बड़ी, यू आर पैथेटिक. ऑल राइट, सो ऑन दैट नोट, This was us trying to put a point here कि भाई तुम्हें प्रमोट करना है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है, तो अच्छे ढंग के लोगों का करो यार. मेरा ही नहीं तो और भी बहुत से अंडर रेटेड यूट्यूबर्स बैठे हैं, पर इन लोगों को मत बढ़ाओ यार. मत बढ़ाओ.
बैटमैन हूएवर स्कोर्ड दैट वाज ओके ओके बाय गाइस बाय रिमेंबर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी